तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वूफर, सब वूफर और ट्वीकर्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो बेसिकली वूफर्स वो होता है, अरे यार ये शोर से मेरा मूड ख़राब हो जाता है। हाँ, तो तीनों जो है सो बेसिकली स्पीकर का एक टाइप होता है जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज पर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्वीकर्स की। तो ट्वीकर्स का बनावट वूफर और सब वूफर से थोड़ा सा अलग होता है। वो बेसिकली बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। उसका फ्रिक्वेंसी रेंज होता है नॉर्मली 2000 से 20,000 के बीच में, 2000 से 20,000 के बीच में होता है। और कभी कभी 20,000 से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि मतलब क्योंकि ऊपर जाता है क्योंकि उसके ऊपर हम सुन भी नहीं सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 20,000 तक ही मान के चलेंगे। और उससे नीचे जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, 2000 से नीचे। और उसके बाद आता है हमारा वूफर, इसके जगह आता है वूफर। तो वूफर जो है सो बेसिकली 2000 से 200 हर्ज तक जो है बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। और उससे नीचे का जो होता है क्या बोलते हैं 20 हर्ज से 200 या 500 हर्ज के बीच में, 400-500 के हर्ज के बीच में बेटर परफॉर्म करता है हमारा सब वूफर। सब वूफर का काम होता है बेसिकली वाइब्रेट करना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना, जैसे पूरा अंग हिला देना, शरीर हिला देना, यही होता है काम हमारे सब वूफर का। और वूफर का काम होता है नॉर्मल साउंड वॉइस जो होता है हमारा प्रोड्यूस करना। और अगर और जो हाई टोन्स होता है वो उसका काम, वो ट्विकर्स का काम होता है परफॉर्म करना। तो यही तीन काम है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तीनों काम की वजह से तीन स्पीकर का टाइप बन चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है। तो आपसे मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।